आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय चैनल RNN News, खबर आप तक। नमस्कार, मैं हूं हिमानी सिंह और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय चैनल RNN News। आइए बढ़ते हैं अब खबरों की ओर। स्कूल भवन का छज्जा गिरा, स्कूली बच्चे बाल बाल बचे। जी हां, सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियानों के माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा देने का दावा करती है, लेकिन कड़वी सच्चाई का सामना करने का नैतिक साहस भी शायद विभागों के पास नहीं है। सेतगंगा विकासखंड का प्राथमिक शाला मारा डबरी में लंबे अरसे से बेहद जर्जर भवन में संचालित हो रही है। यही वजह है कि यहाँ का छत का प्लास्टर भरा भर कर गिर पड़ा। यह गनीमत रही कि उस वक्त बच्चे मैदान में खेल रहे थे, नहीं तो कोई बड़ा हादसा होना तय था। वहीं जब कक्षा में छत गिरने से बच्चे और पालक दहशत में हैं, जाहिर है उस वक्त अगर बच्चे कक्षा में मौजूद होते तो जानलेवा हो सकता था या गंभीर चोट लग सकती थी। बच्चे रोज जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। इसकी शिकायत कई बार शिक्षा विभाग में की गई है, लेकिन स्कूल दुरुस्त करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई गई। वहीं पूरे जिले में 49 स्कूलों की चिन्हांकित किया गया है। मरम्मत कार्य कराए जाने के लिए आज 5 माह से पैसा को आवंटित हो चुका है। ऐसे भी नहीं है कि शिक्षा विभाग में मरम्मत के नाम से पैसा नहीं आया हो। अभी भी 10 लाख 5 महीने से विभाग के फंड में रखा है, जो स्कूल मरम्मत के लिए आवंटन हुआ था, मगर अधिकारियों की उदासीनता के चलते आज तक कोई भी स्कूलों में मरम्मत नहीं कराया गया। फिर भी कोई अनहोनी घटना होने का इंतजार कर रहे हैं। जिले के अधिकारी यह समझ से परे है। पिछले ब्यूरो को समाई गई थी, हफ्ता दिन पहले ही मिला है और राशि हमें आवंटन प्राप्त हुआ है मरम्मत के लिए। इसके एजेंसी जो जिला पंचायत को बनाया गया है, तो आशीष से जानकारी लिया गया तो उनका कहना था कि मारा डब्ल्यू के स्कूल जर्जर नहीं दिख रहा था, अचानक गिरा है, तो उसको भी हम शामिल कर रहे हैं लिस्ट में और बहुत जल्द भेज रहे हैं रिपेयरिंग के लिए राशि। सर, ये RNN News के लिए नीलकमल सिंह ठाकुर की रिपोर्ट।